अभी जो गवर्नमेंट द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, ये स्कीम जो भी लाभार्थी थे, जो भी रेलवे के कर्मचारी थे और जो भी सरकारी कर्मचारी थे, जो अभी तक एनपीएस में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में आते थे, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये एक देन मानी जा सकती है। इसमें कर्मचारियों की जो कई सालों की डिमांड थी कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की काफी सारे साधारणताएं या सिमिलैरिटीज इसमें हैं, जैसे कि अब एम्प्लॉय को एक एश्योर्ड पेमेंट मिलेगा या एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा जो कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% ओल्ड पेंशन स्कीम में था। अब उसकी जगह पे पिछले 12 महीनों की जो एवरेज सैलरी होगी उसके 50% उसे पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके साथ साथ में उस कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद में या उसकी फैमिली को जो पेंशन है उसकी 60% पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा उस कर्मचारी के लिए जो डीए के बेनिफिट्स हैं या जो इन्फ्लेशनरी बेनिफिट्स हैं वो भी उस कर्मचारी को वर्ष में जिस तरह सैलरी में इंक्रीमेंट होता था उसी तरह का इंक्रीमेंट उसमें भी मिलता रहेगा। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन पहले गवर्नमेंट के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा 14% का किया जाता था, वो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा के अभी 18.5% का किया गया है, जिससे कि एक बड़ा कॉर्पस एम्प्लॉय के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो कम से कम न्यूनतम राशि हम लोग बोलते थे वो अभी 10,000+ DA ये की गई है उन सारे एम्प्लॉयज के लिए जो कम से कम अपना 10 साल का जो पीरियड है वो पूरा करेंगे। तो इसके चलते जो सारे कर्मचारियों की ये मांग थी कई सालों से कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उसको काफी हद तक पूरा कर दिया गया है।